Jassi Jaisi Koi Nahin. Hi Mimi. Thank you. At last. अरे नहीं यार, जब तू मिलेगी ना तो मुझे कहेगी वाह मलिका, तूने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया, अरमान को एकदम काबू में कर दिया। अरे नहीं यार, ये जो नया अरमान है ना, बिल्कुल न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूला है, वो भी नए पैकेज में। मैं लेडी स्मोक कराती हूँ। अच्छा सुन, तुझे एंगेजमेंट में आना है, भूलना नहीं, मैं दोबारा याद नहीं दिलाऊँ, ओके? बाय बे। वो लॉयर 22 गुरुवार को नहीं 21 बुधवार को आ रहा था, नंदू ने चेक नहीं किया और मैंने भी नहीं देखी। क्या लगता है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर नहीं है जैसी, मेरी एंगेजमेंट का क्या होगा? हाँ तुमने चॉइस मेरे लिए किया ना, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो गलती करी है उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर। मैं तुम लोग को क्या लगता है कि एंगेजमेंट की डेट यूं ही चेंज कर देना कोई छोटी सी बात है? हाँ उस नंदू को तुम अभी और इसी वक्त नौकरी से बात कर। सर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं, तुम्हें ये बच्चों का खेल लग जाएगा। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा? हाँ तुम्हें क्या लगता है मलिका मान जाए और मेरे घर वाले, उन्हें कौन समझाएगा? तुम या तुम्हारा वो गैर जिम्मेदार दोस्त नंदू, सब गड़बड़ कर दिया सब। सर कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अपने आप? नहीं सर, मैं ऑफिस से सबको फोन करके बता दूंगी। तुम्हें जिसे फोन करना है, जिससे बात करनी है आज उनके, तुम्हें अंदर तक छोड़ दूं? मैं चली जाऊँ। गुड, चलो फिर जल्दी आ जाना, बहुत काम। ओके चलो, वरना तुम्हारे फादर बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा हाथ। जानता है ना मैं एंगेजमेंट क्यों प्रीपोन कर रहा हूँ? मलिका थोड़ी जानती है कि जानने वाली बात क्या है और ना जाने वाली बात क्या है। तो एक काम कर, मेरी जान ही ले ले। एक तरीका है मेरे पास। क्या? तू किसी और से एंगेजमेंट कर ले। मेरे पास देखा ही है, तू भी परी के अलावा किसी और से एंगेज। अरे काश यार तेरे मुंह में घी शक्कर एंड ऑल दैट। राज, सपनों की दुनिया से बाहर आना, कोई तो रास्ता होगा मलिका को मनाने का। जब कोई रास्ता नहीं होता ना तो भगवान का रास्ता होता है। तो क्या करूं, तीरथ पे निकल जाऊं, भजन करने लगूं या कोई मन्नत पाऊं?
भगवान को याद कर यार, वही तुझे रोशनी दिखाएगा। टॉर्च उसी के हाथ से। मम्मा आप ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा हाथ ही टूट गया है। लेकिन टूटा कैसे? वो ऑफिस की सीढ़ियाँ। तेरे ऑफिस की सारी सीढ़ियाँ हटवानी पड़ेगी। लिफ्ट है ना? मैं बात करता हूँ तेरे अरमान सुरी से। चल अच्छा मैं हल्दी का दूध लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इसके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। देसी नुस्खा है, एक मिनट में दर्द छूं अंतर हो जाएगा। ठंडा वंडा पीना सब हो जाएगी। तो अपने अरमान सुरी को फोन कर लेना कि कुछ दिनों तक तू ऑफिस नहीं आई, कम से कम इस बहाने कुछ आराम तो कर लेगी तू। तारीख की गड़बड़ मेरी वजह से हुई है, इसे ठीक करने भी मुझे ही जाना होगा। उनको तेरी हड्डी की चिंता नहीं हो लेकिन हमको चिंता है, वो ऑफिस जाने की तो बात ही मत सोच। क्या हुआ मेरी फ्रेंड से? चुप कर तू, पेशेंट के पास इतना चिल्लाते हैं क्या? मैं अब से कभी भी तुम्हारे किसी भी काम पर भरोसा नहीं करूंगी। जैसे मुझे माफ कर दे प्लीज, और अगर तू फोन नहीं कर सके तो मैं फोन कर दूं, मैं देखता हूं कि तो छुट्टी नहीं देता तेरे। अरे तू नौकरी करती है, कोई गुलामी नहीं करती उसकी। जैसे तू सारे बिल संभाल के रखियो, ऑफिस में गिरी है तो ऑफिस से ही क्लेम करना चाहिए ना। पापा जी अगर मैं ऑफिस नहीं गई ना तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, देख 90 से ऊपर। हाय रब्बा 90? पापा जी 90 तब नॉर्मल होता है। तू मुझसे बहस मत कर। अंकल जी ठीक कह रहे हैं। चुप कर तू, चल बैठ इसके बैठ। अंकल आंटी कहाँ हैं आप? देखिए मैं क्या क्या शॉप करके लाई हूँ। अरमान तुम भी यही हो? मैं तो शॉपिंग कर करके पागल हो गई। अगर तुम मेरी शॉपिंग देखोगे तो तुम भी बिल्कुल पागल हो जाओगे। पागल तो ये हो ही चुका है। से बात करी, मैंने एंगेजमेंट एक्चुअल डेट के दिन पहले करने का था। अगर सब तैयारियां कर ली ना तो डेट चेंज है। अच्छा क्या मैं पूछ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओह मैन स्टॉप इट अरमान, लापरवाही की भी खा दो। तुम्हें क्या लगता है हम छोटा सा फ्रेंड्स का गेट टुगेदर कर रहे हैं? यहाँ पर पूरे शहर में इनविटेशन जा चुके हैं और मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट नहीं है। हाँ मलिका लेकिन आप अरमान दिस इज रिडिक्यूलस। अपना नहीं तो कम से कम अपने मेहमानों की वक्त की तो कदर करो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे गुलाम है? ये कहा कल मत आओ परसों आ जाओ और वो आ जाएंगे। तुम डेट चेंज करना चाहते हो, प्रीपोन करने की कोई जरूरत नहीं, पोस्टपोन कर दो। मतलब ये जो नहीं हो सकता उसी को करने की तुम्हारी आदत बनाई। मलिका आप सही कह रही है, यही सलूशन है। लेकिन रहने दो अरमान, इस बहस को झगड़े में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं मेरा मतलब है हम लोग मेहमानों को कोई ना कोई बहाना बनाकर माफ मांगते। जैसी क्या किया तुमने, इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया मुझे। मामा आपके जैसा प्यार और कहीं नहीं। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ के खाने का स्वाद आया, मेरा दिल कर रहा है बस रोज मुझे चोट लगते रहे और आप मुझे ऐसे ही खिलाते रहे। बेटा तो ऐसी बातें करेगी ना तो मैं रो दूंगी। तू मुझे डांटेगी कि रोते क्यों? रोना अच्छी बात थोड़ी ना होती। जस्सी को देखो कितनी स्ट्रांग है, अरमान सर की फौज की सेनापति, चोट टुकने पे भी नहीं रोई। अब तू से दूध देगी तो खुद ही पी जाएगा। मेरे लिए नहीं है। तू मुझे डांट ही ले, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। तो तुझे डांटने में ना मुझे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, तो तू मुझसे बात ही मत करना। Thank you.
कागज और पेन चाहिए होता है, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। मेरे पास है ना? जस्सी, दर्द हो रहा है ना? मैं इसीलिए कह रहा था, तू लेट जा। अच्छा बैठ जा प्लीज। मैं हूँ ना तेरा लेफ्ट हैंड, तू मुझे बता क्या लिखना। दूध पीना? अच्छा लेकर इन सब लोगों को एंगेजमेंट के बारे में बताना कि डेट चेंज हो गई है। फूल वाले, पंडाल वाले, खाने वाले और म्यूजिक वाले, आने वाले, जाने वाले, वो जो गेस्ट आएंगे पार्टी एंजॉय करने के लिए, उनको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। तू मुझे नंबर दे, मैं बता दूंगा। जस्सी, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है ना। होने तो वाली है, लेकिन तूने सारी गड़बड़ कर दी नंदन। अब सबको बोलना पड़ेगा कि एक दिन पहले आ जाइए। नंदन वर्मा से गलती हो गई है, वो गुरुवार को बुधवार समझ के बैठ गया। जस्सी, नंदू तो बुद्धू तो मैं ही हूं ना। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं? मालिका, मैं चाहता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट एक अच्छे मुहूर्त को। अंकल, आपको इनकी बातों पे यकीन हो रहा है? सर, कोई पंडित जी आए। हाँ, अंदर भेजो। नमस्कार। पंडित जीते रहो बेटा, हम आप सबसे माफी मांगने आए हैं, हमारी वजह से ही तारीख में गड़बड़ हो गई थी। अरमान को दिन और तारीख बताने में हमसे गलती हो गई थी। कोई बात नहीं पंडित जी, आपके अरमान बेटे तो गलती करते ही रहते। एनीवेज, हमने एंगेजमेंट को पोस्टपोन कर दिया। असंभव। जो तारीख हमने दी वो शुभ है, अगर इस तारीख के दिन सगाई नहीं हुई तो विवाह भी नहीं होगा। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, इनविटेशंस जा चुके हैं, अगर एक दिन पहले करेंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। करने वाले आप कौन हैं? ये सब ईश्वर करता है और उसका किया हुआ हर काम शुभ होता है। आंटी, मैं खुद अरमान की बात से सरप्राइज हूँ, लेकिन जो ये कह रहा है सही कह रहा है। लोग अपनी मॉडर्न जिंदगी में भगवान की मर्जी को कभी कभी भूल जाते हैं। मालिका, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के पहले हम लोग पंडित जी का आशीर्वाद लें। मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ। जस्सी कहाँ पर है? आप शायद भूल रहे, मिस्टर सूरी के खिलाफी की वजह से उसके हाथ में चोट लगी। हाँ मुझे मालूम है, हाथ में सिर्फ एक मामूली सा स्प्रेन हुआ है, बस और कुछ नहीं। जी, लेकिन वो हाथ मेरी बच्ची का था। मिस्टर वाली, आप जस्सी को फोन दीजिए। जी, वो नहीं आ सकती इस वक्त, आराम कर रही है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। मिस्टर वाली, आप समझने की कोशिश सूरी करते हैं, यहाँ पे बहुत अर्जेंट काम है मुझे। मैं सारी बातें समझता हूँ। सूरी, आपके लिए हर छोटी छोटी चीज बड़ी अच्छी होती है, और दूसरे की कोई चीज आपके लिए मायने नहीं रखती। हेलो जस्सी डाली, तू यहां बैठे बैठे क्या सोच रही है? आ गया फोन तेरे उनका अरमान सर का। बड़े बेताब हो रहे हैं, बेकरार से आपे के बाद। तू आज ऑफिस नहीं गई ना? कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं तुझसे। कर ले। आ,
अरे हेलो सर, आपने फोन किया था? जस्सी, मैं तुम्हारे पापा जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करे। अरे मैं तुम्हारी जान का दुश्मन थोड़ी ना। सर एक्चुअली वो मेरे पापा जी ना, मुझे अभी और इसी वक्त मेहमानों की लिस्ट चाहिए। हाँ सर, मैं नंदू के हाथ भिजवा देती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं जस्सी। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितने सारे काम है, इन्वेंट्री की लिस्ट बनवानी है, लॉर्ड से डिस्कशन करने, और फिर ये एंगेजमेंट का समय था, और तुम्हारे हाथ में चोट लगी है मुझे पता है, बट इसीलिए मेरे पापा जी और बेबे नंदू, नंदू की मम्मी, पड़ोसी, पड़ोसी के बच्चे, जस्सी इन सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। अरे यहाँ पे बहुत टेंशन है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ जस्सी। जी सर, मैं अभी आ जाती हूँ। गुड। मैं कुछ नहीं करने वाला, ना ही मैं कुछ कहने वाला हूँ, अंकल जी को तो बिल्कुल नहीं। तो प्लीज देख, वो पापा जी से कहते थे हमारा मतलब वो वकील आने वाला ऑफिस में, और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आराम करना भी तो जरूरी है ना। हाँ नंदू, लेकिन सारा काम अरमान सर के ऊपर आ पड़ा है, और तू समझ ना प्लीज। कहाँ जा रही तू? वो मैंने छुट्टी ले ली है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। मुझे कहा होता मैं तुम्हें छोड़ देता। वो शाम को है। सुन मेरी ज्वेलरी कलेक्ट कर लेना, ऊपर केटरर्स को ऑर्डर दे देना, और मैंने कल जो घर के लिए फर्निशिंग्स खरीदी थी ना उसको कलेक्ट करके उसकी पेमेंट कर देना, मैंने नहीं ली। अरे अगर तुम शाम तक फ्री हो तो तुम क्यों नहीं ले दे सकती? बेबी यू नो माय कंडीशन, ऐसी हालत में मैं कहां कहां भटकूंगी। और वैसे अभी मेरी हेयरडेसर के साथ तो मेरी अपॉइंटमेंट है, चलो मैं छोड़ जाओ। अरे मैं अभी भी ऑफिस आया हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। चलो चलो। ओके मम्मी, कम ऑन। बेचारे राजा। माय गॉड, मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। चाहे जैसे भी हो ना राजा, वो परी को तो डिजर्व करते ही नहीं। सर परी किसी को डिजर्व नहीं। माय गॉड, मैं तो कहती हूँ हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई भी रात से कुछ भी नहीं कहेगा मारिया, पर प्रॉमिस करो मारिया। मैं कह रही राज, सब लोग अपने अपने काम पे जाओ ना। माय गॉड जस्सी, हाय अल्लाह, ये तुझे क्या हुआ? क्या किसने मारा, कैसे गिर गई, किससे झगड़ा हुआ? अरे वैसे को बता दे उसका नाम। अरे मैं बस गिर गई हूँ, मेरा हाथ टूटा नहीं है, वो बस पेन हो गया है। अरे तुम फिर ऑफिस क्यों आए? क्योंकि बहुत काम है मुझे भी और तुम लोगों को भी। रेडी रेडी रहना। तो मैं वो लिस्ट ना, हे भगवान आप यहाँ? सीधा ओपन एंड शट केस, हम अरमान सूरी को अच्छे से रगड़ेंगे और उसे हार कर आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा। मैं भी तो केस हारने के लिए नहीं लगता हूँ। बाबा जी मेरी मदद करो आप। क्या कहते हैं